जो हमारी बॉडी है किसी से बनी है, ज़्यादातर हमारी बॉडी मतलब कि 80% का बॉडी हमारा किससे बना है, प्रोटीन से बना है। और प्रोटीन की सिंथेसिस या प्रोटीन कहाँ पे बनता है, तो जो प्रोटीन है हमारा राइबोसोम में बनता है। तो इसीलिए हम क्या राइबोसोम को क्या कहते हैं, फैक्ट्री कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री, इसे क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री, इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। क्योंकि सिंथेसिस तो किसका, प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होता था, इसलिए प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। या फिर इसे कहते हैं इंजन ऑफ द सेल, या फिर कहेंगे इंजन ऑफ द सेल, किसी भी सेल का एक इंजन है। इसी जैसे माइटोकांड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, उसी तरीके से राइबोसोम को इंजन ऑफ द सेल कहते हैं। तो राइबोसोम को किसने डिस्कवर किया था, इसका स्ट्रक्चर कैसा था, कैसे बनता है और इसका फंक्शन क्या है, ये देखते हैं। तो राइबोसोम की जो डिस्कवरी है, सबसे पहले इसे किसे किसने आइसोलेट किया था, तो उनका नाम क्या है, क्लाउड। और क्लाउड के बाद जो क्लाउड है, इसे क्या नाम दिया था, इसे माइक्रोसोम नाम दिया था इन्होंने। जैसे ये राइबोसोम को राइबोसोम नहीं बुलाया इन्होंने, राइबोसोम को माइक्रोसोम कहा। उसके बाद से प्लांट सेल में जो है राइबोसोम को रॉबिन्सन और ब्राउन देखे या निकाले उसका सिंथेसिस किए प्लांट सेल में, तो रॉबिन्सन और ब्राउन। और जो राइबोसोम को राइबोसोम नेम किसने दिया, तो वो जी पलाडे दिए, तो राइबोसोम को राइबोसोम नेम जी पलाडे ने दिया था। ये अब डिफाइन करेंगे कि राइबोसोम क्या होता है, तो राइबोसोम को डिफाइन करने के लिए कह सकते हैं कि एक स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनेल है, जैसे बाकी सब ऑर्गेनेल होते हैं उसी तरीके से भी है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल है और अटैच होता है किससे, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, या फिर ये फ्री फॉर्म में पाया जाता है किसमें, साइटोप्लाज्म में। और ये किसका है, साइट, प्रोटीन सिंथेसिस का साइट है, क्योंकि यहीं पे प्रोटीन सिंथेसिस हो जाता है। तो इस तरीके से हम राइबोसोम को डिफाइन कर लेंगे। अब इसका नंबर किस बात पे निर्भर करता है, डिपेंडेंट है कि नंबर इसका डिपेंडेंट है कि आरएनए कंटेंट सेल में कितना है। तो जितना ज़्यादा आरएनए होगा उतना ज़्यादा आपका राइबोसोम होगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आरएनए उतना ज़्यादा राइबोसोम। तो अब इसका, क्योंकि जो राइबोसोम है, राइबोसोम आपका आरएनए से और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, इसीलिए मोर नंबर पाया जाता है, मतलब कि ज़्यादा अमाउंट में किसमें पाया जाता है, तो ये प्लाज्मा सेल और लीवर सेल, नेसल ग्रेन्यूल जो होते हैं नर्व सेल के, उसमें, कैंसर सेल में, मेरिस्मेटिक सेल में, और आपका किसमें, और इंडोक्राइन सेल में ये ज़्यादा पाया जाता है, ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, ठीक है। और ये देखिए इसका सेडिमेंटेशन कोफिशियंट के हिसाब से, मतलब कि अगर सेडिमेंट करेंगे राइबोसोम को, तो इसे दो, उस हिसाब से, उस बेस पे राइबोसोम को दो दो टाइप में डिवाइड कर दिया जाता है। तो दो टाइप क्या है इसके, दो टाइप इसके हैं कि 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। तो जो 70S राइबोसोम है वो उसका क्या नाम है, वो किसमें पाया जाता है, तो ये पाया जाता है प्रोकैरियोट में। और कहाँ पाया जाता है, माइटोकांड्रिया और प्लास्टिड में पाया जाता है, किसके, यूकैरियोट के। और 80S जो राइबोसोम है ये पाया जाता है किसमें, यूकैरियोट में पाया जाता है, ठीक है। और अब इसे जो राइबोसोम दो यूनिट से बना होता है, एक स्मॉलर सब यूनिट होता है, एक लार्जर सब यूनिट होता है, तो राइबोसोम को मिलकर बनाते हैं। तो इसे यहाँ पर एक फिगर है, तो 70, मान लीजिए कि 70S वाला राइबोसोम है, तो 70S वाला राइबोसोम जब ये होगा, तो ये आपका स्मॉलर सब यूनिट कितने का होगा, जो आपका ये स्मॉलर सब यूनिट 30 का हो जाएगा, 30S का, 30S का, और ये 50S का हो जाएगा। तो लार्जर सब यूनिट इसका जो 70S वाले का, लीजिए 70S का, 70S राइबोसोम का, 70S राइबोसोम का ये स्मॉलर सब यूनिट को 30S और राइबोसोम लार्जर वाले को 50S कहते हैं, ठीक, इसके सब यूनिट का नाम है। तो ये दोनों यूनिट मिलके राइबोसोम बनाते हैं। उसी तरीके से आपका 80S वाले राइबोसोम को क्या, 80S वाले को जो यूकेरियोट में पाया जाता है, तो स्मॉलर वाले में 40S और लार्जर वाले में कितना, 68S होता है। तो आपका क्या बनता है, 80S वाला राइबोसोम बन जाता है। तो राइबोसोम और जो राइबोसोम का केमिकल कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन है क्या है, ये आरआरएनए से प्लस प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। राइबोसोम को बनाने के लिए ये चीज़ें पाई जाती हैं, मतलब कि इन्हीं से अच्छी तरीके से एकदम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एक राइबोसोम बन जाता है। जब राइबोसोम, जैसे कि एक, जैसे मान लीजिए कि ये आरएनए है, उसी में जब ये कई सारे राइबोसोम ऐसे अटैच हो जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीसोम कहते हैं।
जिसे हम एक ही साथ कई सारे जब राइबोसोम रहेंगे तो उसे हम पॉलीसोम कहेंगे। देखिए अब राइबोसोम केवल ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेल में पाया जाता है, कुछ ऑर्गेनल्स हैं जिसमें राइबोसोम पाया जाता है, तो उसे जैसे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और प्लास्टिड हो गया, तो उसको क्या कहेंगे? जैसे कि राइबोसोम जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में पाया जाता है, तो उसे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में जो पाया जाएगा उसे क्या, माइटोकॉन्ड्रिया में जो पाया जाएगा उसे क्या कहते हैं? माइटोराइबोसोम कहेंगे। मतलब कि ऐसे ऑर्गेनल्स भी हैं जिसमें राइबोसोम पाया जाता है, तो दो उस राइबोसोम को माइटोराइबोसोम और जो प्लास्टिड पाया जाता है उसे कहेंगे प्लास्टिडोराइबोसोम। प्लास्टिड में पाया जाता है उसे प्लास्टिडोराइबोसोम। तो एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं थोड़ा सही से कि क्या क्या है। ये देखिए जो आपका स्मॉलर सब यूनिट है, तो स्मॉलर सब यूनिट में ये वाला पोर्शन आपका जो ये है, ये वाला हेड हो गया, ये नीचे का जो है बेस हो गया, और ये जो है आपका प्लेटफॉर्म हो गया ये, और ये जो बीच में गैप है वो उसे क्लैप्ट कहते हैं। उसी तरीके से लार्जर वाले में ये आपका रीच हो गया ये हिस्सा, और ये आपकी वैली जो अंदर गई है, और ये सेंट्रल प्रोट्यूबेंस है, और एक स्टाक हो गया। तो ये स्ट्रक्चर है राइबोसोम का। और इस दोनों जब कंबाइन होते हैं मैग्नीशियम आयन चाहिए रहता है, Mg+, मतलब कि यहाँ पे Mg+ आयन चाहिए रहता है इन दोनों को जोड़ने के लिए। तो जब ये जुड़ेंगे तो Mg का कंसनट्रेशन हाई होता है, जब ज्वाइन होंगे तो हाई कंसनट्रेशन होगा, तो जब हाई रहेगा तब इस एक साथ जुड़ जाते हैं, एक राइबोसोम बना देते हैं। और जब Mg का कंसनट्रेशन घट जाता है तो ये क्या हो जाता है, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका राइबोसोम का एक स्ट्रक्चर हो गया। अब देखते हैं कि इसका क्या है, फंक्शन क्या है। तो जो फंक्शन है राइबोसोम का, देखिए अब राइबोसोम पे किसी प्रकार का कोई कोई क्या बोलते हैं कि लेयर नहीं पाया जाता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन था, लेकिन राइबोसोम में ऐसा कोई मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, तो इसे नैकेड ऑर्गेनल भी कहते हैं। जैसे कि ये नैकेड ऑर्गेनल है, ठीक है, क्योंकि ये कवर नहीं है किसी मेम्ब्रेन से, इसीलिए इसे यहाँ पे लिख सकते हैं कि नैकेड ऑर्गेनल। नेकेड ऑर्गेनल कहते हैं। अब फंक्शन क्या है कि ये जो आपका ये किसमें प्रोटीन फैक्ट्री है, जिसका मतलब कि ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो ये जैसे राइबोसोम है तो ये प्रोटीन सिंथेसिस मेल करता है। जैसे आरएनए आता है, एमआरएनए, तो उसको ये अटैच हो जाता है। उसके बाद से जब जैसे मान लीजिए कि ये आपका एमआरएनए है 5'-3' वाला, तो इस पर राइबोसोम अटैच हो जाता है इस तरीके से, फिर उसके बाद से खिसकते जाता है और प्रोटीन का इस तरीके से, मान लीजिए प्रोटीन ऐसे प्रोटीन बन जाते हैं आगे जाके, मतलब कई स्टेप होते हैं इसके, तो आगे जाके ये प्रोटीन का निर्माण कर जाता है। तो राइबोसोम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस में आपका हेल्प करता है। और ये ध्यान सेक्रेटरी, जैसे कि राइबोसोम प्रोड्यूस करता है क्या चीज़, नॉन सेक्रेटरी प्रोटीन किसमें, और सेक्रेटरी प्रोटीन दोनों प्रोड्यूस करता है, नॉन सेक्रेटरी भी और सेक्रेटरी प्रोटीन दोनों।